साथियों, स्वागत है आपका टुडे आज तक न्यूज़ में। आज हम मेवात जिले के पुन्हाना उपमंडल के गांव गोधौला पहुंचे हैं। बीते 8 तारीख को यहां पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ था, तो आज सुबह पुलिस ने उनमें से एक आरोपी को, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन थाने तक पहुँचने के बाद में आरोपी को छोड़ दिया गया। पीड़ित परिवार पुलिस प्रशासन पर मिलीभगत का बार बार सवाल लगा रहे हैं। तो करते हैं हम कुछ खास बातचीत। हमारे साथ में इस समय पीड़ित परिवार के लोग यहाँ इकट्ठे हैं, बैठे हैं, और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर लगातार सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं कि एक मुख्य आरोपी को पुलिस द्वारा रेड मारकर गोधौला गांव से गिरफ्तार कर लिया गया और थाने तक पहुँचने के बाद में उसको छोड़ दिया गया। आखिर इससे तो साफ लगता है कि पुलिस आरोपियों से मिली हुई है। जी, क्या नाम है आपका? तो सरपंच साहब, जो यहाँ आपके गांव में सुबह पुलिस ने रेड मारी, अब लड़ाई प्रकरण मामले में, तो इसमें यानी कि आरोपी को छोड़ दिया गया? तो क्या रेड मारी थी, 4 गाड़ी आई थी पुलिस की, और मुख्य आरोपी को पकड़ लिया और पकड़ के पुराने थाना ले गया। ले जाते देर ना हुआ, मुंजिम को फौरन छोड़ दिया। हमें लगता है मिली भगत है इनकी, मुंजिमों की और इनकी पुलिस वाले की मिली भगत। किस व्यक्ति को, उनमें से किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया? इस सर को गिरफ्तार किया और उसको छोड़ दिया। तुरंत ही ले जाते देर ना हुआ, और तुरंत ही ले जाने के बाद वहीं छोड़ दिया। पुलिस जाने थाने में जाके और वहीं छोड़ दिया। तो आपको अब क्या लगता है? हमें लगता है पुलिस की इनके मुद्दम की मिली भगत है, साफ नजर आता है। अब आप क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं जी फैसला हो, न्याय मिले हमें, गिरफ्तार किया जाए, हमारे लिए न्याय मिले। सुना आपने, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान गांव के पूर्व सरपंच ने भी लगाए हैं। उनका कहना है कि सुबह 4 गाड़ियों के साथ में पुनाना पुलिस गोधौले गांव में आरोपी के घर पर रेड मारती है, उसको गिरफ्तार करती है, और यहां से गिरफ्तार करने के बाद में थाने ले जाकर चंद ही मिनटों में आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। तो इस्सर नाम का व्यक्ति है जो मुकदमे में मुख्य आरोपी है, उसको पुलिस ने घर से उठा लिया, लेकिन थाने तक जब पहुंचे तो पुलिस ने वहां से आरोपी को छोड़ दिया। तो अन्य लोग भी हमारे साथ हैं। जी, क्या नाम है आपका? गुलदीन है मेरा नाम। तो गुलदीन, आज सुबह यानी कि आपके केस मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, और सुना है कि भाई उसको, आपका आरोप है कि भाई उसको छोड़ दिया गया, क्या मामला था? पुलिस ने सुबह रेड मारी। अच्छा। रेड मार के उसे ले गई, थाने ले गए और उस छोड़ दिया ले जाकर उसको वहाँ पर। तो आपको क्या लगता है? हमने लग दिया मिली भगत पुलिस की। क्या चाहते हो आप लोग? हम चाहते हैं जी न्याय चाहते हैं, हम तो मुलजिम गिरफ्तार हों। पीड़ित परिवार बार बार न्याय की गुहार पुलिस प्रशासन से लगा रहा है, लेकिन ऐसे में कैसे संभव है कि पुलिस प्रशासन पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाएगा? कि आरोपी को पकड़ कर छोड़ने वाली बात पर तो सरेआम जो है आरोपियों से पुलिस मिली हुई है पूरी तरह से, इस तरीके से कि इस पीड़ित परिवार को किस प्रकार से न्याय मिलेगा? तो इस उसका क्या नाम था जो आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, क्या नाम? इस्सर। तो इस्सर को गिरफ्तार किया? इस्सर गिरफ्तार किया और वो छोड़ दिया। तो इस्सर आपके मामले में मुख्य आरोपी है? मुख्य आरोपी है, मैन ये है इस्सर। आगे भी अन्य ग्रामीण भी हमारे साथ हैं इसी मामले पर, तो हमें ये रूबरू कराएंगे। आखिर गोधौला गांव का मामला था, और सब ग्रामीण जो आई विटनेस प्रत्यक्षदर्शी हैं, सबने देखा है पुलिस ने यहां 4 गाड़ियों के साथ में रेड मारी है। 4 गाड़ियों के साथ में रेड मारकर इस्सर नाम के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन गिरफ्तार करने के चंद ही मिनटों में आरोपी को थाने ले जाकर छोड़ दिया गया। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन से आम जनता, गरीब जनता क्या न्याय की उम्मीद करेगी? आगे भी हमारे साथ, जी क्या नाम आपका? इस्माइल। तो इस्माइल, ये जो सुबह आपके गांव की घटना है, क्या हुआ था? ये 4 गाड़ी पुलिस आई थी जी गांव में, और उन्होंने आरोपी इस्सर को गिरफ्तार किया। आरोपी इस्सर को गिरफ्तार करने के बाद में यहाँ से वो पुलिस ले गई उसको थाने। पुलिस थाने ले जाने के बाद में उसको फौरन ही छोड़ दिया। तो ये अन्याय है, और पुलिस इनसे मिली हुई है। हमारा
ख्याल है कि पुलिस इनसे मिली हुई है, ये पुलिस की मिली भगत है इस इंसान। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये न्याय चाहते हैं जी, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और हमें न्याय मिले। ग्रामीण बार बार न्याय की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं और पुलिस पर आरोप थमने का नाम नहीं ले रहा है कि भाई पुलिस ने मुख्य आरोपी को यहाँ से गोधौला गांव से उनके घर से गिरफ्तार किया और थाने ले जाने तक छोड़ दिया गया। ऐसे में कैसे उम्मीद करें? ऐसे तो पुलिस और पब्लिक का आपसी तालमेल के नाम से जहाँ मेवात पुलिस जानी जाती है, और पुलिस व पब्लिक का आपसी तालमेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, पुलिस से पब्लिक का विश्वास उठ जाएगा अगर ऐसे ही पुलिस करती रही तो। आगे भी और ग्रामीण हैं जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम रशीद है जी। तो रशीद, तुम यहाँ इकट्ठे हुए हो किस बात को लेकर हुए हो? इस बात को लेकर हुए जी, पुलिस यहाँ चार गाड़ी गोधौला गांव में आई थी और इस सर आरोपी को उठा लिया पुलिस ने, और पुनाने जाने के चंद ही मिनटों में उसको छोड़ दिया गया, और हमें लगता है कि पुलिस और मुलजिमों की मिली भगत। अब देखना यह है कि छोड़े गए आरोपी को पुलिस सलाखों के पीछे डालती है, मामले के 15 आरोपियों को पुनाना पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है, या ऐसे ही रेड मारकर पकड़कर थाने तक ले जाकर आरोपी को पुनाना पुलिस छोड़ती रहेगी। आगे भी लगातार हमारे साथ जी, क्या नाम है आपका? अभी आप पुनाना थाने के सामने जो खड़े थे तो किस लिए खड़े थे, क्या मामला? हम तो जी न्याओ की कह रहे हैं जी, इंस्पेक्टर की कही हमने, तो वह बोले जी हम उन्हें पकड़ लेंगे, कल तोड़ी हम उन्हें सबन ने पकड़ लेंगे, हम सुते ऐसे बोले थाने। यहाँ से अगर पुलिस आई, यहाँ रेड मार कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया आपके गांव से, फिर उसको छोड़ दिया गया, तो क्या कहोगे आप पुलिस की कार्य प्रणाली पे? क्या कहोगे? पुलिस की मिली भगत है जी, क्लियर है, मैं आरोप के साथ पुलिस मिली हुई है, बिल्कुल आरोपी के साथ मिली हुई है। ग्रामीणों का कहना है पुलिस आरोपियों के साथ मिली हुई है और इनको आज भी इनके ही घर पे अपनी जान का खतरा बना हुआ है, तो पुलिस प्रशासन की कार्यशैली से ये साफ जाहिर होता है कि इस तरीके से आरोपियों को, इतने खूंखार आरोपी जो एक आदमी पर घर में घुस के जानलेवा हमला करते हैं और उनको पुलिस चलो अरेस्ट भी कर लेती है कुछ दिनों बाद, अरेस्ट करने के बाद में थाने तक ले जाती है, उनको छोड़ देती है, क्या इस तरीके से ही जनता को न्याय मिलेगा? आखिर जनता किस पर विश्वास करे? जी तो अब आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं जी, पुलिस हमारा न्याय नहीं कर रही जी, हम न्याय चाहते हैं, मिली भगत है पुलिस की, इस सर हर इस सर मैन मुलजिम है, फिर छोड़ दिया थोड़ी देर में। और क्या काम करते हैं ये लोग? ये तो जी दो नंबर का काम है इनको, और एक नंबर का काम नहीं, बोकसी वगैरह करते हैं, सारे काम करते हैं, दो नंबर काम। यहाँ तक कि आरोपी अन्य राजस्थान अन्य कई थानों में गोकसी के आरोपी पर दर्जनों मामले दर्ज हैं, वो पीओ चल रहे हैं कोर्ट द्वारा, लेकिन इस सर नाम का व्यक्ति है, इसकी अगर क्राइम रिपोर्ट तो हमने उठा के देखी नहीं, लेकिन आरोप हैं कि इस पर करीब कई मामले गोकसी के हैं, और गोकसी के मामले होने के बावजूद भी पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, ये कोर्ट द्वारा भगोड़ा करार दिए हुए सभी आरोपी हैं। पीड़ित परिवार को इन दिनों अपनी पूरी तरह से जान का खतरा बना हुआ है और पुनाना पुलिस पूरी तरह से चुप्पी साधने में लगी हुई है। तो फिर मिलेंगे हम क्राइम की अगली खबर के साथ, इतने देखते रहिए टुडे आज तक न्यूज़ पर। मेवात जिले से बिलाल अहमद पत्रकार की खास रिपोर्ट।